देवरिया के फतेहपुर कांड ने जहां देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज करने में पुलिस की एक और खामी सामने आई है। जल्दबाजी के चक्कर में पुलिस ने 2 वर्ष पहले गुजर चुके व्यक्ति को ही घटना का आरोपी बना दिया है। पुलिस की इस कार्यशैली पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को रुद्रपुर में हुए नरसंहार के बाद पुलिस ने मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता के तहरीर पर 27 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें भाटपार रानी विधानसभा में स्थित खामपार थाना क्षेत्र के केहुनिया में भी 8 आरोपी बनाए गए। पुलिस द्वारा दर्ज इन 8 नामों में से एक आरोपी की मृत्यु 2 वर्ष पहले हो चुकी है। धीरे धीरे पुलिस द्वारा की गई लापरवाही कार्रवाई की असलियत अब सामने आ रही है। बता दें आपको कि देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था।